मोहम्मद मोइज़ू मालदीव अपने घुटनों पर आ गए हैं। और बात होगी मालदीव की, जहां पीने के पानी का संकट है। इसमें पानी नहीं है बॉस, ड्रिंकिंग वाटर इल्ले इल्ले हो गया। चीन ने तिब्बत से पीने का पानी भेजा है, चीन भेजा 1500 टन पीने का पानी खत्म हो गया। चाइना से दोस्ती ऐसी हुई कि IMF के लोन के पीछे लग गए। नाउ पाकिस्तान हैज कन्वेड टू द मालदीव्स फॉरेन मिनिस्टर दैट इस्लामाबाद वुड नॉट इंटरफेयर इन द इंडियन ओशन डोमेस्टिक मैटर। लेकिन मोहम्मद मोइज़ू बटरिंग कर रहे भारत की, क्या वाकई भारत आज दुनिया की जरूरत बन गया है कि उनकी अहमियत को डिनाई नहीं किया जा सकता। चाइना से जब से दोस्ती हुई तो पता लगा कि 60% जो इनके लोन दिए हैं वो चाइना ने दिए हैं। इंडिया वालों ने भैरह जुल्मात में घोड़े दौड़ा दिए, उन्होंने ना दश देखा है ना दरिया देखा है। कि ये आएगा लाइन में आएगा, औकात में आएगा, क्योंकि इसको चाइना कुछ नहीं देने वाला। They will have to go in front of the Prime Minister Modi and they have done it. चाइना से दोस्ती हुई तो इनके 38 से लेकर 40 आइलैंड चाइना ने रखवा लिए लॉन्ग लीज पे 45 से लेकर 50 साल के लिए। भाई वो किसी को नहीं देखते और किसी की नहीं सुनते, वो सिर्फ अपने आप को देखते हैं और अपने आप की सुनते हैं। ये अब चाइना से दोस्ती हुई तो पीने का पानी इनका ऑफ हो गया। देखिए चाइना जब इंटरनेशनल वाटरवेज में जाते हैं तो वहां पे जो चाइनीज अथॉरिटीज हैं वो बिल्कुल खामोश बैठी रहती है। इतना बड़ा आइलैंड रखने के बाद भी पीने के पानी की कमी हो रही थी मालदीव्स में, कोई बात नहीं है, भारत भेज रहा था मालदीव्स को पानी पीने का। तो इन्होंने भीख मांगी है चीन से और बोला है पानी दे दो, तो चाइना ने बोला है ठीक है हम आपको 1500 टन पानी देंगे। इसमें पानी नहीं है बॉस, ड्रिंकिंग वाटर इल्ले इल्ले हो गया, पीने का पानी खत्म हो गया। चाइना से दोस्ती ऐसी हुई कि IMF के लोन के पीछे लग गए। चाइना से जब से दोस्ती हुई तो पता लगा कि 60% जो इनके लोन दिए हैं वो चाइना ने दिए हैं। चाइना से दोस्ती हुई तो इनके 38 से लेकर 40 आइलैंड चाइना ने रखवा लिए लॉन्ग लीज पे 45 से लेकर 50 साल के लिए। अब चाइना से दोस्ती हुई तो पीने का पानी इनका ऑफ हो गया है। तो इन्होंने भीख मांगी है चीन से और बोला है पानी दे दो, तो चाइना ने बोला है ठीक है हम आपको 1500 टन पानी देंगे। जो तिब्बत के ग्लेशियर हैं उनका पानी हम आपको देंगे। ये पता नहीं कौन सा फ्रॉड, तिब्बत के ग्लेशियर और मालदीव का क्या लेना देना। तिब्बत का ग्लेशियर तो हजारों किलोमीटर दूर है, उन्होंने क्या पाइप खींचा है कि ग्लेशियर से सीधा पानी आ रहा है और मालदीव के अंदर जा रहा है, ऐसा तो नहीं है। कैसे पानी भेज सकता है चाइना? चाइना ने जहाजों में भेजा है, जाहिर सी बात है। और तिब्बत का आप मैप देखो यार, मुझे तो समझ में नहीं आती किसको चूरन खिला रहे हैं। कह रहे हैं कि ड्रिंकिंग वाटर डोनेटेड बाय चाइना फ्रॉम ग्लेशियर्स एंड टिबेट, ग्लेशियर्स एंड टिबेट। तिब्बत है कहां पे? आप कभी भी देखना तिब्बत कहां पे है, चाइना की पॉपुलेशन कहां पे है। एक बात बताओ, ये 1500 टन पानी, पीने का पानी ये खत्म हो जाएगा, जाहिर सी बात है लोग पिएंगे, लोग उससे खाना भी बनाएंगे, ठीक है ना, बर्तन ना भी धोएं, कपड़े ना भी धोएं, नहाएं तो भी नहीं, पिएंगे ना पानी, ये इससे कुकिंग का इस्तेमाल करेंगे, ये पानी हो जाएगा खत्म। फिर ये क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप क्या, नेक्स्ट स्टेप क्या करना है इनको? फिर ये चाइना से बोलेंगे प्यास लगी है बॉस पानी दे दो, फिर चाइना इनके लिए 1500 टन पानी भेजेगा। और भाई ऐसे देश चलता है, चाइना ने ये हाल कर दिया है कि मालदीव्स पानी के लिए भीख मांग रहा है, पानी के लिए तरस रहा है, बूंद बूंद के लिए। ये स्टोरी है दोस्तों, यही अगर भारत होता तो भारत वहां पे डीसैलिनेशन प्लांट्स लगाता, आपके जितने भी इनहैबिटेड आइलैंड्स हैं सब में 5-5, 10-10 डीसैलिनेशन प्लांट्स लगाता भारत, डीसैलिनेशन की टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करके, कि आप लोग समुद्र का जो खारा पानी है उसको मीठे पानी में कन्वर्ट करते और वो पानी पीते। लेकिन चाइना ने वो काम नहीं करा, ये टेक्नोलॉजी चाइना के पास भी है, ये कोई ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड टेक्नोलॉजी नहीं है, इट्स वेरी सिंपल, कई देशों के पास है, चाइना के पास भी है, लेकिन चाइना ने ये काम नहीं करा। चाइना सिर्फ एक काम करता है, तुम बताओ तुम्हें क्या चाहिए हम तुम्हें देगा, हम तुम्हें चाइना ने ये पानी भी फ्री में नहीं दिया होगा, आप देख लेना 100% आप नोट कर लो, चाइना ने ये पानी भी फ्री में नहीं दिया होगा, इसकी भी कहीं ना कहीं कॉस्ट निकलेगी। जैसे वो जो माले में सड़क बन रही है ना, सो कॉल्ड फ्री ऑफ कॉस्ट, उनकी भी कॉस्ट निकलेगी दोस्तों। अच्छा जी, वहां पे मोहम्मद मोइज़ू को बिल्कुल, जिसको कहते हैं ना दोस्तों, बिल्कुल मजबूर कर दिया। ये देखो यार, इसको कहते हैं मजबूरी, सोचना आप, ये जब से भारत से इसने बोला है कि ठीक है भारत से हमारा कोई लेना देना नहीं, इंडिया आउट, तब से इसने मोहताज कर दिया है बूंद बूंद पानी के लिए। मैं मोहम्मद मोइज़ू की बात कर रहा हूं, मोहम्मद मोइज़ू जी ने अपने देश मालदीव्स को पानी की बूंद के लिए मोहताज कर दिया, लोगों के लिए पानी पीने को नहीं है, और अब पानी करेगा मालदीव्स इंपोर्ट। जस्ट इमेजिन, पीने का पानी इंपोर्ट हो रहा है, और ये आइलैंड नेशन है सराउंडेड बाय वाटर, आइलैंड नेशन सराउंडेड बाय वाटर, ठीक है वो पानी खा रहा है, पर खारे पानी को मीठा दुनिया करती है, इसराइल करती है, भारत के पास टेक्नोलॉजी है, सबके पास टेक्नोलॉजी है, आप कर सकते हैं, लेकिन नहीं। चाइना कहता है तुम्हारा पानी भी जो तुम पियोगे ना वो बीजिंग से आएगा, जब बीजिंग हाँ बोलेगा तब तुम पानी पियोगे। ग्लेशियर्स एंड टिबेट, तिब्बत है कहाँ पे? आप कभी भी देखना तिब्बत कहाँ पे है, चाइना की पॉपुलेशन कहाँ पे है, राइट? फिर आप ये देखो कि जो तिब्बत के ग्लेशियर हैं
वहां से पूरा ईस्ट चाइना आएगा हजारों किलोमीटर का सफर करके, फिर वहां से गोल घूम के जाएगा पूरा का पूरा साउथ चाइना सी से नीचे आएगा, फिर श्रीलंका पार करके फिर जाएगा मालदीव्स। ये रूट है, और कोई रास्ता ही नहीं है, और कोई रास्ता है ही नहीं इनका। या तो ये बोले कि ठीक है फिर चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर यूज करके पाकिस्तान आएगा, फिर पाकिस्तान से नीचे सीधा जहाज आएगा चाइनीज का। ये मैटर क्या है? तिब्बत के ग्लेशियर से पानी, पता नहीं क्या अजीबोगरीब हरकतें कर रहे हैं चाइनीज। पाकिस्तान के साथ सारे मुल्कों की ही तकरीबन नहीं बनती है, एक तो उसकी वजह ये है कि हम मुसलमान हैं। तो क्या यूएई मुसलमान नहीं है, सऊदीया मुसलमान नहीं है, तुर्की, ईरान, इराक, इन सब की इंडिया के साथ बनती है, फिर हम ऐसे कौन से खास मुसलमान हैं जो हमारी ही किसी के साथ नहीं बनती? हमारी तो अफगानिस्तान के साथ नहीं बनती, वो भी मुसलमान है, फिर हम कैसे मुसलमान हैं? फिर हमें देखना चाहिए कि इंडिया को ये अपॉर्चुनिटी क्यों मिली। इंडिया तो गुर्बत में जा रहा था, यही आबादी उसके ऊपर बोझ बन जानी थी, उसको अपॉर्चुनिटी इसलिए बनी क्योंकि उनकी अगर हम पॉलिटिकल सिचुएशन देखें तो बहुत ज्यादा स्टेबल है। और उसकी मोदी की जो पॉलिसीज देखे जाएं, बेशक वो एंटी मुस्लिम है लेकिन उसकी पॉलिसी देखे जाएं अपने हिंदुओं के लिए तो उसकी पॉलिसी क्लियर है ना। हमारे मुसलमान हुक्मरानों की तो पॉलिसी हमारे लिए क्लियर है। उनकी जो पॉलिसीज है वो एंटी मुस्लिम भी नहीं रही, आप देखें कि वहाँ पे मुसलमानों के लिए वो कितना काम कर रहे हैं। इवन कि वहाँ पे मुसलमान खवातीन का ये कहना है कि नरेंद्र मोदी के होते हुए हमें किसी भाई की जरूरत नहीं है, नरेंद्र मोदी हमारे भाई जान होने के तमाम फ्राय सर अंजाम दे रहे हैं। तो अब हम ये भी नहीं कह सकते क्योंकि बहुत सारे मुस्लिम ममालिक इंडिया में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। आप देखें कि यूएई के अंदर एक मंदिर खुलने जा रहा है, आप कुछ दिन पहले सऊदीया की बात करें तो सऊदीया ने जो है अल्कोहल अलाउ कर दिया अपने वहां पर डिप्लोमेट्स के लिए। उसके साथ साथ सऊदीया के इंडिया के साथ कितने अच्छे ताल्लुकात हैं जी। मिस, इस सारी हिस्ट्री को अगर हमने अभी करंट सिचुएशन समझनी है तो हमें पिछले 50 साल में जाना होगा। पिछले 50 साल में आप जाती हैं तो आपको पता चलेगा जितने भी मुसलमान बड़े बड़े लीडर्स थे, चाहे वो पाकिस्तान में थे चाहे वो किसी भी कंट्री में थे, सबका ऐसे मर्डर हुआ कि आज तक नहीं पता चलता। जब आपकी लीडरशिप खत्म होती है उसके बाद ऐसे लीडर्स आते हैं तो यही हाल होता है। माफ़ी मांगना तो अली हमारा भी हक है तो मुसलमान है, क्योंकि माफ़ी जो है ना मांगनी चाहिए। किस वजह से मुसलमान जो हो, हिंदू बरादरी से माफ़ी का तल्लक ही कोई नहीं, क्योंकि वो पूछते हैं उनके माफ़ी का क्या पता है। मतलब वो आप कह रहे ना माफी मांगनी चाहिए ना, मुसलमान एक दूसरे भाई हम वो माफी का काम करते ही नहीं, ऐसा कि माफी नहीं, एक दूसरे का कत्ल कर देंगे ठीक है, एक दूसरे के पैसे खा लेंगे, एक दूसरे को मार देंगे, अभी गलत नहीं करते। नहीं मैडम ऐसा होता है, इंसान देखे हम हर कोई इंसान है, चाहे वो हिंदू हो, सिख हो, ईसाई हो, मुस्लिम हो, हर कोई इंसान है कि नहीं है? या जो हिंदू है उनके सर पे सींग लगे होते हैं, ऐसा तो नहीं है ना, इंसान है ना पहले, तो इंसान है। एज में भी वर्क में भी फर्क है ना, ये भी चीज सोचे ना, वर्क में फर्क। हम मुसलमान हैं वो हिंदू बरादरी है, तो क्या हुआ? बड़ा फर्क है, क्यों नहीं फर्क है? तो क्या हुआ? वो नमाज नहीं पढ़ते, हम नमाज पढ़ते हैं। वो उनका अपना रिलीजन है, हमारा अपना मजहब है, आपको क्या है? वो देखे जो उस लिहाज से चल रहे हैं, हमारे लिहाज से नहीं चल रहे। वो ये देखे वो चाहे कह रहे हैं जी हमारे साथ ये मुल्क मिल गया, ये मुल्क, इसकी वजह ये छन्ना लेके ना मोदी साहब, वो छन्ना लेके मांगना शुरू करते हैं, हाय मैं मुझे क्या हो गया, मुझे पीक दे दें, ऐसे कर ले। मिसाल दे, किससे? जो भी उससे अटैच हो रहा है, मैं उनको भी ये कह रहा हूँ। लास्ट टाइम किसने उनको लोन दिया ये बता दे, चले मैं आपको चैलेंज करती हूँ ऑन द कैमरा, ये बता दे अभी उन्होंने कौन सा लोन लिया। देखे ये जंग जो सोच रहे हैं कि जंग लगाएंगे, ये सुन रहे हैं, मैं अभी इंटरव्यू दिया ये क्या उसका नाम है, ये पीछे चैनल था, अभी मैं इंटरव्यू दे के आ रहा हूँ। आप भी माशाल्लाह खड़े हैं, आपका भी बहुत अच्छा चैनल चल रहा है।